एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये. मर्चेंट परचेज 8 केजी ऑफ राइस एट रुपीज 9 पर केजी. फर्स्ट ही परचेज 8 केजी ऑफ राइस एट रुपीज 9 पर केजी एंड देन 6 केजी ऑफ राइस ही परचेज एट रुपीज 8 पर केजी. ऑलराइट, ही सोल्ड द मिक्सचर. मिक्सचर मींस देन ही मिक्स दीज टू, मींस 8 केजी ऑफ राइस एंड 6 केजी ऑफ राइस, दोनों को उसको उसने मिक्स कर दिया. ही सोल्ड द मिक्सचर एट रुपीज 9 पर केजी, और वो जो मिक्स कर दिया उसको रुपीज 9 पर केजी में सेल कर दिया उसने. फाइंड हिज गेन परसेंट. गेन परसेंट से पहले इसकी थोड़ी सी वर्किंग करनी है हमने, हमें ताकि इसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता चल जाए, क्योंकि उसने दो डिफरेंट तरह से खरीदा, 8 केजी में अलग खरीदा और 6 केजी में अलग खरीदा. तो फर्स्ट ही परचेज 8 केजी एट रुपीज 9, सो 8 9 जा 72. तो फर्स्ट ही परचेज 8 केजी फॉर रुपीज 72. देन ही परचेज 6 केजी राइस एट रुपीज 8. तो 6 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई बाई 8 रुपीज 48. तो दो इसकी परचेजिंग्स आ गई, 72 एंड 48. तो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. सी पी इज इक्वल टू 72 प्लस 48 विच इज इक्वल टू रुपीज 120. सो द सी पी इज और कॉस्ट प्राइस इज, टोटल कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 120. नाउ द टोटल क्वान्टिटी ऑफ राइस सोल्ड एट रुपीज 9 पर केजी कितने हो गए, वो 6 8 केजी इधर था और 6 केजी इधर था, तो टोटल क्वान्टिटी कितनी हो गई, 14 केजी. ऑलराइट, एंड ही देन सोल्ड द मिक्सचर एट रुपीज 9 पर केजी. सो 14 केजी सोल्ड एट रुपीज 9 पर केजी. सो देन यू मल्टीप्लाई दीज टू टू गेट द सेलिंग प्राइस. सो 14 मल्टीप्लाई बाई 9 रुपीज 126. 126 इज द सेलिंग प्राइस. अब आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया है, तो डेटा है सी पी इज इक्वल टू रुपीज 120, हमने यह मालूम किया. एस पी इज इक्वल टू 126. गेन एंड गेन परसेंट यू हैव टू फाइंड आउट. गेन और गेन परसेंट बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे आप लोग करते हैं. तो अब आपके पास ये डेटा कलेक्ट हो गया है और यहाँ से आपको गेन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड गेन परसेंट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला फाइंड आउट करना है, वो आप लोग करें.